प्रोसेस जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज डिफ्यूजन। बड़ा लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड हुआ करता था या होता है डिफ्यूजनम, जिसका मतलब क्या होता है, पॉरिंग, मतलब डालना। सिंपल, यही से सारी बात खत्म, कहानी खत्म। एक चीज को दूसरी चीज के अंदर डाल देना या उसका अपने आप दूसरी चीज के अंदर डल जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आप लोगों की बुक्स में क्या लिखा होता है, इट इज मिक्सिंग ऑफ, डिफ्यूजन इज बेसिकली मिक्सिंग ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट या मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर हैविंग ए कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन देम, हैविंग अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन देम। या मैं कहूं कि आप लोगों की बुक्स में ये लिखा होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, या आप लोगों की बुक्स में ये भी लिखा होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन टू सब्सटेंस हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन की, जहां होता है। और हम इसको करवा भी सकते हैं, अपने आप होने वाली डिफ्यूजन को सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। और एक डिफ्यूजन होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनके नेम से ही क्लियर है, सिंपली एग्जीबिटेड, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर, एंड दिस इज यू कैन से अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि अपने आप पार्टिकल्स। एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन आप लोगों को पता है कि जो आपके सिलेबस के अंदर हैं और जो आप इन मेजॉरिटी डिस्कस करते हैं, तीन स्टेट्स डिस्कस करते हैं, ऑल्दो हमने सारी स्टेट्स को अच्छे से डिस्कस किया है अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि मैटर इन सराउंडिंग्स पे था, लेकिन हमने कहा था कि आप सॉलिड इन सॉलिड, वैसे हम लोगों को पता है हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 जो था मैटर का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वही चीज की आप कह सकते हैं भटके हुए सांड की तरह होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स इधर चले गए उधर चले गए इधर चले गए उधर चले गए, कहीं भी किसी के भी घर में घुस जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर घुस जाते हैं, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है। लिक्विड थोड़ा सा ऑर्डर, थोड़ा सा वेल मैनर्ड होता है गैसेस की बजाय, तो वो उससे थोड़ा कम डिफ्यूज, सॉलिड्स बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड हैं, तो उनके अंदर डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है, लेकिन होता है। तो जो सॉलिड्स, इन सॉलिड की अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कोई दूं, तो देखिए मेरे पास ये टू टाइप्स ऑफ कैंडीज है, ये मेरे पास है रेड कलर की कैंडीज ओनली, और ये मेरे पास है ओनली ब्लू कलर की कैंडीज, ब्लू कलर की कैंडीज है, रेड कलर की कैंडीज है, मैंने इनको आपस के अंदर मिक्स कर दिया, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बड़े आराम से एक दूसरे के अंदर ये मिक्स हो गई है। इसी तरीके से इनको मैं इनके अंदर मिक्स कर दूँ, तो बड़े आराम से ये देखिए कितना खूबसूरत, आप लोग इसी कलर्स, इन्हीं ज़्यादा रेनबो कलर्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, और तो कहते हैं कि हमें तो ये कैंडीज खानी है। तो ये भी डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है, किसकी, सॉलिड इन सॉलिड का स्पेस है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए मेरे पास ये इस ग्लास के अंदर वाटर है, एंड इट इज अ टैबलेट, मैंने जैसे ही इसके अंदर ये टैबलेट डाली, अब कुछ ही देर में ये टैबलेट इसके अंदर ये देखिए डिजॉल्व होनी शुरू हो गई है, और ये इसके पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स में इन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। तो ये जो सॉलिड है किसके अंदर चला गया है, लिक्विड के अंदर चला गया। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। दूसरा मेरे पास ये एक फूड कलर है इन पाउडर फॉर्म, इस फूड कलर को अगर मैं इधर वाटर के अंदर डालूंगी, ब्यूटीफुल कलर यू आर वॉचिंग हियर, तो ये देखिए ये भी एग्जांपल किसकी है, सॉलिड इन लिक्विड की। तो ये देखिए इसके अंदर धीरे 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 ये डिजॉल्व होता जा रहा है, लेकिन सॉलिड ने किसके अंदर जगह बनाई, इसका कलरफुल हो जाना, मतलब इस लिक्विड के अंदर सॉलिड अपनी जगह जो है वो बनाता जा रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है, फूड कलर इन लिक्विड या टैबलेट इन a tablet in water, food color in water, जेलो सील वगैरह लेते हैं हम, लिक्विड थोड़े से वेल बिहेव, इनसे थोड़े कम, इनसे थोड़े से उदंड, लेकिन गैसेस से थोड़े से
बेटर मैनर जो है वो लिक्विड्स है। तो लिक्विड्स की भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि लिक्विड इन सॉलिड, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। इसके अंदर देखिए लिक्विड इन सॉलिड के लिए कि अगेन मैं कहूँ कि मेरे पास ये वाटर है और ये सॉलिड है स्पॉन्ज। जैसे ही स्पॉन्ज को मैं इस वाटर के अंदर रखूंगी, आप लोगों को पता है कि इस स्पॉन्ज ने इस वाटर को एब्जॉर्ब करना, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देना है। यानी कि इस सॉलिड के अंदर लिक्विड जो है वो देखिए अंदर चला गया। तो सॉलिड के अंदर लिक्विड कलर्ड वाटर है और ये टिश्यू पेपर है। जैसे ही आपने इसके अंदर इसको रखा तो ये देखिए इसके अंदर ये लिक्विड जो है चला गया। तो लिक्विड किसके अंदर चला गया है? अगेन सॉलिड के अंदर। जैसे आपका इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट है, आप किसी भी लिक्विड को किसी भी लिक्विड के अंदर मिक्स कर सकते हैं। आप इंक इन वाटर मिक्स कर सकते हैं, इंक ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, मिक्स कीजिए, वो इंक एकदम से उसके अंदर जानी शुरू हो जाएगी। गर्मियों के दिन हैं जिन दिनों में मैं वीडियो बना रही हूँ, गर्मियों में रूह अफ़ज़ा वगैरह आप लोग शिकंजवी वगैरह बहुत पीते हैं, बनाते हैं। तो देखिए मेरे पास एक गिलास है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक फूड टेस्टर जो है वो मैंने इसके अंदर डाला। उसके बाद देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वाटर। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसके अंदर से जैसे ही नेल पेंट रिमूवर को थोड़ा सा कहीं पे निकाला जाता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए अपने आप ही ये क्या है, आप लोगों को पता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वेरी सुन बिल्कुल क्लीन हो गया है। हैंड सैनिटाइजर्स आप लोग हैं यूज़ करते हैं, बिल्कुल लिक्विड की तरह है। आपने ऐसे ऐसे किया एंड क्या हुआ, लिक्विड था, एकदम से क्या है एयर के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चले गए हैं। तो एसीटोन जो होता है केमिस्ट्री लैब्स के अंदर, उसके अंदर यही कैपेबिलिटीज़ है, बेसिकली इनके अंदर ही वो होता है। तो ये जो ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि वॉलेटाइल हैं, ये इमीडिएटली किसके अंदर चले जाते हैं, गैसेस के अंदर। ये एग्जांपल थी लिक्विड इन गैस की, गैस की गैस में डिफ्यूजन। उदंड बालकों को उदंड बालकों में मिला दिया जाए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग परफ्यूम बॉटल्स होती हैं, डिओड्रेंट की बॉटल्स होती हैं, आप लोग जैसे ही इनको इस तरीके से स्प्रे करते हैं, एयर के अंदर ये मॉलिक्यूल जो है बिखरने शुरू हो गए हैं। मच्छरों को मारने के लिए आप इसको बहुत यूज करते हैं, आप लोग क्या करते हैं स्प्रे कर देते हैं ताकि जो मॉस्किटोज हैं वो क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं, आपके आसपास से फ्लाइज खत्म हो जाएं। ये भी एग्जांपल किसकी है, गैस इन गैस की।